दोस्तों आज हम सीखेंगे HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और दोस्तों हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे और अगर आप बेल आइकन भी दबाएंगे तो आपको हमारी आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे HTML जिसमें कि हम कोड लिखेंगे जिसकी हमें आउटपुट मिलती है और इस HTML को हम वेबसाइट्स और टैम्पलेट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इसका कोड कैसे लिखें ताकि हम टैम्पलेट्स खुद बना पाएं। तो इसे लिखने के लिए सबसे पहले हम इसे यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं टैग। ये दोनों एरोज एक तरह के ये एरोज हैं जिन्हें हम टैग्स कहते हैं। इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं जो हमें अपना आउटपुट देखने में हेल्प करते हैं। इसे हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें HTML लिखते हैं। HTML लिखने के बिना हमारा प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हो सकता। अभी हमने HTML स्टार्ट किया, उसके बाद हम लिखेंगे हेड और हम जानेंगे कि हम हेड क्यों लिखते हैं। हमारे पास एक स्क्रीन होती है, उसके ऊपर इतना एरिया होता है जिसके ऊपर हमारा टाइटल शो होता है। जैसे कि अगर हमारा टाइटल है माय कंप्यूटर तो वो इस हेड पार्ट में शो होता है। और ये सारी हमारी है बॉडी, इसे हम बॉडी कहते हैं। तो अभी हम हेड पार्ट कर रहे हैं कि हमारे इस हेड पार्ट में क्या शो हो। तो अभी हम हेड पार्ट करेंगे, उसके बाद हम इसमें लिखेंगे टाइटल कि हमारा हेड में टाइटल शो हो। ये हमारा टाइटल टैग है कि हम अभी टाइटल लिखेंगे। अभी हम टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे कि हमारा टाइटल क्या हो। क्या हो टाइटल? माय कंप्यूटर। अभी हम उसके बाद इस टाइटल टैग को बंद करेंगे। अभी बंद करने के लिए क्या होता है, बंद करने के लिए एक सिंबल होता है स्लैश। उसके बाद हम सेम चीज सेम वर्ड रिपीट करेंगे। और हाँ, एक बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने ओपनिंग टैग में लेटर्स कैपिटल यूज़ किए हैं तो क्लोजिंग टैग में भी लेटर्स कैपिटल ही होने चाहिए। अगर हमने उसमें कैपिटल और इसमें स्मॉल कर दिए तो वो एरर शो करेगा। सपोज अगर हमने यहाँ पर एक भी लेटर डिफरेंट कर दिया तो वो एरर शो करेगा। उसके बाद हमने टाइटल का पार्ट कर दिया, उसके बाद आएगा हमारा हेड का पार्ट। अब हम हेड का टैग बंद करेंगे। ऐसे ही जैसे हमने टाइटल टैग बंद किया, हेड टैग बंद किया, ऐसे हम सभी टैग्स बंद करते हैं। पर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं कुछ टैग्स की जो बंद नहीं होते, वो टैग्स हम आगे सीखेंगे। तो अभी हमारा हेड का पार्ट हो चुका। यहाँ पर हेड शुरू हुआ और यहाँ खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बॉडी पार्ट स्टार्ट करना है। अभी बॉडी पार्ट स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर हमें क्या चाहिए बॉडी के अंदर वो हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए कि हमारी जो ये स्क्रीन है, बॉडी है, उसके अंदर यहाँ पर लिखा है VDM ऑल राउंडर। हमें ये चाहिए कि VDM जो है अंडरलाइन में आए, VDM अंडरलाइन आए और ऑल राउंडर थोड़ा छोटा है और राउंडर इटैलिक में आए। राउंडर होना चाहिए इटैलिक में, ऑलराउंडर होना चाहिए छोटा, VDM बड़ा और अंडरलाइन। तो अभी हम उसके लिए कोड करेंगे।
अभी हम इसका कोड करेंगे कि हमें ये साइज मिले, हमें ये ऑल राउंडर VDM से साइज थोड़ा सा छोटा चाहिए। अभी हम लिखेंगे, HTML वाला पार्ट हम कर चुके हैं, वही लिखना होता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं बॉडी पार्ट से, वो हमारा हेड वाला पार्ट सेम रहेगा। अभी हमने करना है बॉडी पार्ट। बॉडी हमने स्टार्ट की, उसके बाद उसके अंदर हमें क्या चाहिए कि लिखा है VDM ऑल राउंडर। अभी हमने क्या सोचा था कि जो हमारा VDM है वो अंडरलाइन और बड़ा है, तो हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जो हमें ये मॉडिफिकेशन के लिए हेल्प करते हैं कि H1 टैग होता है ताकि हमारा साइज बड़ा है, और अंडरलाइन के लिए होता है U means अंडरलाइन। तो हम यहाँ पर U यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर एंड करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ VDM चाहिए। हम वो टेक्स्ट टैग्स के बंद और खुलने के अंदर लगाते हैं, बीच में लिखते हैं जो हमें चाहिए उस स्टाइल में। अब हम यहाँ पे अब हम VDM को बड़ा भी, हमें बड़ा भी करना है, तो हम क्या लगाएंगे, ये वाला, ये क्या है H1, यहाँ पर हम H1 टैग लगाएंगे। H1 यहाँ पर स्टार्ट हुआ, अभी यहाँ पर स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर एंड होगा, हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी हो गई। अभी हमें क्या चाहिए कि ऑल राउंडर थोड़ा सा तो बड़ा हो, लेकिन H1 से मतलब VDM से थोड़ा सा छोटा हो। तो हम इस पे, अभी H1 में आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं, H1 सबसे बड़ा साइज होता है, H1 से छोटा होता है H2, फिर H3, फिर H4, H5 और H6, इस तरह से साइज कम होता रहता है H6। अब हम ऑल राउंडर पे H1 से थोड़ा छोटा साइज लगाना है, मतलब H1 से H2 फिर भी बड़ा हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं H3 लगा देते हैं। तो हमें यहाँ पर चाहिए कि H3 हो, यहाँ पर स्टार्ट किया, अभी हमें सिर्फ ऑल राउंडर चाहिए, तो हम यहाँ पे H3 को क्लोज करेंगे। अभी हमें क्या चाहिए था कि राउंडर थोड़ा सा इटैलिक में आए, तो अभी हमें, हमारे पास एक होती है ऑप्शन आई की, जिसका मतलब है इटैलिक। अभी हम यहाँ पर इटैलिक लगाएंगे, अभी हमें सिर्फ राउंडर पे चाहिए, तो हम यहाँ पर लगाएंगे आई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम थोड़ा इसको उधर कर देते हैं, आप अपनी नीड के हिसाब से उसको कर सकते हैं। अभी हमारा आई यहाँ पर आ गया, मतलब अब हमारा सिर्फ राउंडर ही इटैलिक में, क्योंकि आई हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, यहाँ पर बंद किया, बट H3 में ऑल राउंडर सारा आएगा। अब हमारी जो हमारी नीड थी, जो हमने सोचा था, वो हमारी आउटपुट आ जाएगी। इसको आप नोटपैड में टाइप करके इसके आउटपुट भी देख सकते हैं कि ये सेम आउटपुट आ रही है या फिर नहीं आ रही। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी के आपको ऑप्शंस हम अगली वीडियोस में सिखाते रहेंगे। थैंक यू। एक बात और दोस्तों, कभी भी इसे ऐसे खुला ना छोड़ें, बॉडी का काम होने के बाद बॉडी को बंद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी आउटपुट आएगी ही नहीं, एरर आएगी। उसके बाद हमने HTML जो खोला था उसको भी बंद करना होता है, वो हमने पिछले प्रोग्राम में जो ऊपर किया था HTML वाला पार्ट, उसके बाद हेड वाला पार्ट, वो हमने यहाँ पर बंद किया। हेड तो वहीं पर ऊपर बॉडी के पहले ही बंद हो जाता है, आपकी बॉडी में भी हेड पहले ख़त्म हो जाता है, उसके बाद बॉडी स्टार्ट होती है, इसी तरह से। और एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, और हमारी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू and have a nice day.